भाइयों बहनों मुझे बताओ ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये ममता दीदी और कांग्रेस डराते, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए। अरे राहुल बाबा, हम एटम बम से डरने वालों में से नहीं है। कांथी वालों, आज मैं बता कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ, एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते, आपके मंत्रियों के यहां से, आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई, 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला, 4 आना भी। हम नहीं डरते ममता दीदी। आज मैं कांथी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1-2-4 सीटें भी देने वाली है वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये शुभेंदु का क्षेत्र है। मैं यहां कह कर जाता हूं, ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाए। भाइयों बहनों, ये बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा ने लोकतंत्र को लगभग लगभग समाप्त कर दिया। पंचायत के चुनाव होते हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मगर कांथी वालों इस बार मत डरना, 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं बाल। इस बार मैं आपको कहकर जाता हूं, चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर मतदान की व्यवस्था की है और हमने चुनाव आयोग के सामने मांग करी है कि काउंटिंग के बाद भी पैरा मिलिट्री फोर्स की कंपनियां यहां रहे और लोगों की सुरक्षा करें। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी मां माटी और मानुष के नारे के साथ आई थी और देखते देखते वो नारा मुल्ला मदरसा और माफिया में बदल गया। आज मैं बताना चाहता हूं, ये बंगाल घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना पड़ा है। बंगाल की घुसपैठ न केवल बंगाल, देश के लिए चिंताजनक है और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बंगाल का हो रहा है। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर रही है ममता बनर्जी, ये पाप है, पाप। मेरी बात याद रखना ममता दीदी, वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को आप ताक पर रख रहे हो। और मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक कटमनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक बार 30 से ज्यादा सीटें जिता दो, एक गाय की तस्करी बंद हो जाएगी, कोयला की तस्करी बंद हो जाएगी,
घुसपैठ आदमी तो छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार। ये माफियाओं को चुन चुन कर, ये माफियाओं को चुन चुन कर उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, ममता के शासन में घुसपैठिए को प्यार है और सीए पर वार कर रही है, भाजपा को ला दीजिए, सीए तो जमीन पर उतरेगा ही, घुसपैठ भी बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, अभी पूरे घुसपैठियों को वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बन गए, बन रहा है। आप भाजपा की सरकार लाओ, 30 सीटें भाजपा को दो, केवल बंगाल के बेटे बेटियों को ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड मिलेगा। भाइयों बहनों, बंगाल में हर प्रकार के उद्योग चौपट हो गए, केवल बम बनाने का उद्योग चल रहा है, केवल सिंडिकेट का उद्योग बन रहा है। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं ये ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहार के अंदर 87 लाख गरीबों के घर बने, बंगाल में सिर्फ 38 लाख। जल जीवन मिशन, बिहार में 96% घरों में पानी पहुंचा, बंगाल में सिर्फ 39%। और आयुष्मान भारत योजना, माताओं बहनों मुझे बताओ, बंगाल के गरीब लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ममता दीदी लाने नहीं देती है। हम बंगाल के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे।